क्या बताऊं इरफान भाई, पुलिस ने सख्ती बहुत कर दिया है। वो माल तो पुलिस वालों के हाथ लग गया। बे यार, इन पुलिस वालों की ये समझते क्या अपने आप को? ओ कद्दू, तेरी भाभी ने तुझे आज घर बुलाया है, लगता है कि गोश्त वगैरह पके है। सारे कौर के काम में कल्ली कर दिया। अली भाई, माड़ी पतंग पर किसी ने गोटी डाली। अबे साइड में ले, नीचे उतार, कट जाएगी। कट गई। टेंशन ना लो लड़को, आएगा अपना टाइम भी आएगा। उसके डेरे पे छापा मार दिया, उसे रंगे हाथों पकड़ के डीएसपी साहब के सामने पेश कर दिया। क्या बात है ये? वो पुलिस आ गई, भागो भागो। अली भाई बचा ले हमें, पुलिस आ गई। अरे हम तो गए यार काम से। आज तो इन पतंगबाजों को नहीं छोड़ना मैंने। ओए अली, चीमा साहब गिरफ्तार कर लीजिए। अली भाई ठीक तो है? इंस्पेक्टर साहब, आज तो आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन अन करीब पकड़े जाओगे, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। इंतजार रहेगा उस दिन का भी। वैसे अली भाई, मैं एक बात सोच रहा था, हमने आज तक जमीन से कद्दू निकलता देखा है, ये पहला कद्दू है जो आसमान से गिरा है। भाई लड़को, पुलिस वालों के साथ मजाक नहीं करते। वैसे इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताएं, इन फजूल के छापों से आपको मिलेगा क्या? हमारी प्रमोशन हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी तो प्रमोशन के पीछे निकल जाएगी। इस पुलिस की नौकरी से अच्छा तो हमारा ये धंधा है। ओए तेरी जुरत कैसे हुई, कल का बच्चा होके पुलिस को बात कर रहे हैं? ओ जनाब क्या हो गया, आप तो लड़के की बात का गुस्सा ही कर गए हैं। अपना मिजाज ठंडा करें, आए एक एक गेम हो जाए। अब ये पुलिस वालों के साथ खेलेगा। जनाब खड़े क्यों हैं? बैठे और सुनाए आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है। मन यार जनाब बड़े गुस्से में लग रहे हैं, लगता है आज घर से रोटी नहीं मिली। ऐसी बात नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो पतंगबाजों की तरह आपके हाथ से निकल गई। आखिर ये पतंगबाज कब तक खैर मनाएंगे? एक ना एक दिन तो जरूर पकड़े जाएंगे। ओ छोड़े इंस्पेक्टर साहब, वैसे आदमी तो आप बड़े अच्छे हैं, इतने अरसे से अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मुझे छोड़, तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? हमारा क्या है, ये पतंगबाजी का धंधा, इसमें कोई इज्जत ही नहीं है। इतना आसान नहीं इज्जत बनाना। अब मुझे देख ले, आधी से ज्यादा जिंदगी हो गई ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए, ऐसे ही लोग मेरी इज्जत नहीं करते, तू क्या समझेगा? इंस्पेक्टर साहब, समझता तो मैं सब हूँ, लेकिन वो क्या है ना, जब भूख लगती है तो मुंह में इज्जत नहीं रोटी डाली जाती है, और रोटी खाने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। ये इज्जत विज्जत वाली सारी झूठी बातें हैं। आजकल इज्जत सिर्फ उसकी है जिसके पास पैसा है। देखे जनाब, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जिस दिन महकमे में कोई आपसे बेहतर ऑफिसर आ गया ना, उस दिन आपकी छुट्टी पक्की, और दिन रात मेहनत करके जितना आप कमाते हैं ना, उतना तो मेरे लड़के एक हफ्ते में कमा लेते हैं। अभी भी वक्त है, हाथ मिला लें, इसी में हम दोनों का फायदा है। ओए अली, तू मेरा लालच दे रहा है, चीमा साहब इसकी बातों में ना। कदू, वैसे कह तो ठीक रहा है, जितना मैं इस पुलिस की नौकरी से कमाता हूँ उससे कहीं ज्यादा ये पतंगे बेच के कमा लेते हैं। हाथ मिला लेना चाहिए, इसमें मेरा ही फायदा है। इंस्पेक्टर साहब, वो कहते हैं ना, सोची प्याते बंदा गया, हाथ मिला लें, आप ही का फायदा है। तेरी पतंग उड़ा दे, मान जा ढीला करो।
ढील दे, ढील दे थोड़ी मेरी पतंग उड़ा दे, खींच लूंगा तेरी पतंग उड़ा दे, मांझा ढीला करो, मांझा ढीला करो, जल्दी से कर दो ना कोई कटे। वाली भाई इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए हमने। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है, अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ कुछ ही दिनों में ये पैसा डबल हो जाएगा। अली भाई मेरे पास आपके लिए एक मस्त स्कीम है, इन पैसों को डबल करने के लिए इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए इन पैसों को शीशे के सामने रख दे, हो गए डबल। ये क्या बकवास की तूने? अच्छा गुस्सा ना करे, जस्ट मजाकिंग। चलो छोड़ो, ये अपना अपना हिस्सा रखो, अयाशी करो, अपनी अपनी पसंद के खाने खाओ। अली भाई पसंद लफ्ज से मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आई, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं बेबीज, उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? बच्चों को तो दूध पसंद होता है। नहीं लगता आपने वो गाना नहीं सुना, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। अबे यार ये क्या फजूल तमाशा है, तुम लोगों को कब अकल आएगी? अली भाई छोड़े इसका तो आपको पता ही है, वैसे एक बात तो बताएं, सारी मेहनत हम लोग करते हैं और आधा पैसा वो पुलिस वाले ले जाते हैं, आपने भी इनको ज्यादा साठ पे चढ़ा लिया। और तू नहीं समझेगा, वो कहते हैं ना मतलब निकालने के लिए गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, और मैंने वो ही किया। गधे को बाप? अच्छा इसका मतलब आप गधे के बच्चे हैं। रुक साले, तुझे भी बताता हूँ। सॉरी अली भाई, मजाक कर रहा था। अली भाई सॉरी। अली भाई छोड़े छोड़े, आपको पता है इसका? अली भाई तेरी अकल कब ठिकाने लगेगी? क्या बात है, जबकि अली के साथ डील हुई है ना, और जिंदगी में सुकून आ गया। मजा ही आ गया। कद्दू कहाँ रह गया था यार, कब से तेरा इंतजार कर रहा था, ये पकड़ खाना ठंडा हो रहा है। आप यहाँ मजे से खाना खा रहे हैं, आपको पता है बाहर क्या हुआ है? क्या हो गया? अभी रस्ते में देख के आ रहा हूँ, एक बच्चा जख्मी है, उसे पतंग की डोर फिरी है। हाँ तो पर इसमें हमारा क्या कसूर है? आपका ही तो कसूर है सारा, अगर आपने लिपतंगबाज के साथ डील ना की होती तो ये हादसा की नौबत नहीं थी आनी, मैंने आपको तब भी मना किया था, लेकिन आपकी अकल पे ही पर्दा पड़ा हुआ था। हो यार तू ये देखना, इस डील से हमारी जिंदगी कितनी सेट हो गई है, और पहले दाल रोटी खाते थे, आज मुर्गा खा रहे हैं। जिंदगी तो आपकी सेट हो गई है, लेकिन उस बाप का क्या जिसके बच्चे को डोर फिरी है? अगर उसकी जगह आपका बच्चा होता तो आप खाएं यहाँ पे बैठ के रिश्वत की रोटी? आ गए हो तुसी, आ तो लो मैं तोड़े अस खाना लानी हूँ। है की हो गया, आज बोल दे नहीं पे। आज ना मैं तोड़े वास्ते चिकन कढ़ाई बनाई है, जल जल्दी फ्रेश हो जाते खाना खाइए। मुझे भूख नहीं है। है आज तोड़ा मूड तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम ये पैसे रखो। दिन ब दिन पैसे वादे जाने ने पे। ओ चलो छड़ो, मेरी सहेली है ना लैला, ओ जेड़े साडे लाता नु लेके बड़े ताने दिंदी सी, आज ओदा फोन आया सी, मैं भी कह दिता साडे भी लात बदल गए ने, प्रमोशन हो गई है मेरे मीए दी। उसको ये सब बताने की क्या जरूरत थी, कोई प्रमोशन नहीं हुई मेरी। ए प्रमोशन नहीं हुई ते पैसे किथू आंदे ने पे?
मेहनत से ड्यूटी करके कमा रहा हूँ। मेनू तो दाल जो कुछ काला लगता पे, तुसी मेरी कसम खा के दसो पैसे कितों आंदे ने पे, बोल देने पे दसो मेनू साफ साफ, दसना जे कि ये रिश्वत के पैसे है। रिश्वत दे पैसे? तुसी इन्नी घटिया हरकत कीती है, मेनू ते अफसोस है, मैं एक रिश्वत होर दी बीवी आ, मैं लानत भेजनी आ तुहाडे पैसियां ते ते इस नीच हरकत ते। खैर आज कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे से एक गलती हो गई है सर। और इंस्पेक्टर जी मैं ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो बताई नहीं जा रही? मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर सका, मैंने रिश्वत ली और पूरे शहर में पतंगबाजी आम करवा दी, जिसकी वजह से आज एक बच्चे को डोर फिर गई सर। और तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अंदाजा नहीं है और तेरी सरकार से कितना नुकसान हो सकता है? सर मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और मजीद तेरी बकवास नहीं सुन सकता, दबा जाए इधर से। मजीद तेरी बकवास नहीं सुन सकता, दबा जाए इधर से। फरिश्ता नहीं